हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू। यू आर वेलकम टू ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर। आई एम महेश शर्मा। आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर स्टैंडर्ड 3 लेसन 3। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द गोल्डन टच, यानी सोना को छूना, संपर्क। टच माने होता है छूना। इस कहानी का नाम शायद इसलिए दिया गया है कि कोई राजा था जो बड़ा ही लालची था। वह चाहता था बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा मनी, कि अपने हाथ से जो भी छुए सब सोना हो जाए, ऐसा उसे इच्छा थी। तो आइए देखिए गोल्डन टच उसके लिए वरदान साबित होता है या अभिशाप। रीड द लेसन केयरफुली आफ्टर योर टीचर। इस कहानी को, इस पाठ को शिक्षक के पढ़ने के बाद पढ़ें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन, इस पाठ को समझने का प्रयास करें। दिस इज ए स्टोरी ऑफ किंग मिडास। यह कहानी राजा मिडास के बारे में है, हु विशेस टू बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। जिनकी इच्छा थी, जिनकी चाह थी इस संसार का सबसे धनी आदमी बनने का। इट टेल्स अस हाउ वी अनविलिंग टर्न्स हिज डॉटर इनटू ए गोल्डन स्टैचू एंड हाउ ही गेट्स हर टर्न्ड बैक इनटू ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि राजा सोने के लालच में अपनी प्यारी बेटी को कैसे एक मूर्ति में बदल देते हैं, और फिर जब मूर्ति में जब हो जाती है, स्टैचू बन जाती है, तो फिर वे बहुत व्यग्र होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर वरदान वापस लेने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें वरदान ये नहीं चाहिए, तो अभिशाप साबित हुआ, हमारी बेटी चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। तो आइए देखें इस कहानी में क्या होता है। इन दिस लेसन द किंग मिडास वॉज वेरी रिच। इस पाठ में किंग मिडास जो थे बहुत धनी थे। ही वॉज ए काइंड मैन, वे दयालु आदमी थे। ही वॉज वेरी ग्रीडी, लेकिन बहुत लालची भी थे। ग्रीडी मीन्स लालची। ही हैड ए डिजायर टू बिकम, उनकी इच्छा थी बनना क्या, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे धनी आदमी। वन डे एक दिन द फॉरेस्ट गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिज काइंडनेस। एक दिन उनकी दयालुता पर वन देवता बहुत प्रसन्न हुए विथ हिज काइंडनेस एंड ग्रांटेड हिम ए बून। बून माने होता है वरदान, और प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उन्हें वरदान दिया। क्या चीज का? ऑफ गोल्डन टच, सोने संपर्क का, सोना छूने के वरदान उन्हें दे दिया कि तुम जो भी छूओगे सब सोना हो जाएगा। By this touch the beautiful flowers, और इस संपर्क के द्वारा सुंदर सुंदर फूल, his food उनका भोजन, and his daughter और उनकी बेटी, all turned into gold, सभी सोने में परिणत हो गए, सोने में बदल गए। He was very sad, और जब सब सोना में बदल गया, उनकी प्यारी बेटी भी, तो वे बहुत sad हो गए, बहुत दुखी हुए। He begged forgiveness. Forgiveness मतलब क्षमा मांगना। He begged, begged माने होता है भीख मांगना। तो he begged forgiveness from the forest god. और उन्होंने वन देवता से ये क्षमा मांगा उन्होंने। The magical power was reversed. और जो ये जादुई जो शक्ति थी जो आ गया था उनमें सोना बनाने की, मैजिकल पावर वाज रिवर्स्ड, अब विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। अब जब वरदान जब उल्टा हो गया, तब सोना छूने वाला संपर्क जो टच जो गोल्ड था, अब यह समाप्त हो गया, वरदान समाप्त हो गया। तब द स्टैचू ऑफ हिज डॉटर टर्न इन टू ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब जो प्यारी पुत्री उनकी जो स्टैचू में जो बन गई थी, वरदान वापस ले लेने से फॉरेस्ट गॉड के द्वारा उनकी जो बेटी थी वह पहले की तरह हो गई। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। किंग मिडास वॉज ए वेरी काइंड मैन।
हु रूल्ड ओवर ए किंगडम इन ग्रीस। किंग मिरास बहुत ही धनी आदमी छे जो राज करते थे ग्रीस राज्य पर। ही वॉज ए वेरी रिच किंग, वे बहुत धनी राजा थे। बट अनफॉर्चुनेटली हिज ग्रीड वॉज फार ग्रेटर देन हिज विजडम। परंतु दुर्भाग्यवश जो उनकी लालच थी उनकी बुद्धि से ज्यादा आ गई थी। क्या ज्यादा आ गई थी? लालच। किसी अपेक्षा? बुद्धि की अपेक्षा, यानी उनमें लालच ज्यादा पनप गया था। हिज ग्रेटेस्ट डिजायर वॉज टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ग्रेट का सुपरलेटिव है ग्रेटेस्ट, यानी हिज ग्रेटेस्ट डिजायर, उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी टू बी द रिचेस्ट मैन, सबसे धनी आदमी बनने का इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड दिस डिजायर फिल्ड ऑल हिज थॉट्स, और यही विचार उनके पूरे दिमाग में भर गया, फिल हो गया। वन डे व्हाइल वॉकिंग इन हिज गार्डन, एक दिन जब वे अपने बगीचे में टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, ही सा एन एल्डरली मैन एस्लीप, तो बगीचे में देखा एक वृद्ध आदमी, एल्डरली यानी उम्रदराज आदमी, एस्लीप मतलब सोया हुआ, कहां? अमंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में। एक वृद्ध आदमी को सोया हुआ देखा, किसने देखा? राजा ने देखा। कहां देखा? अपने बगीचे में। कब देखा? जब वे भ्रमण कर रहे थे। टेकिंग पाइटी ऑन द ओल्ड फिलो, और इस बूढ़े पर दया करके किंग मिदास लेट हिम गो विदाउट पनिशमेंट। जब फूलों के बीच में सोया हुआ था तो राजा उसे दंडित भी कर सकते थे, लेकिन राजा बहुत दयालु न थे, उन्हें बिना सजा दिए हुए जाने के लिए छोड़ दिया, विदाउट पनिशमेंट। द ओल्ड मैन वॉज एक्चुअली ए फॉरेस्ट गॉड, और वह जो वृद्ध जो आदमी था वह वास्तव में फॉरेस्ट गॉड था, यानी वन देवता था। ही वॉज प्लीज्ड विद द किंग मिदास काइंडनेस, वह राजा मिदास की दयालुता पर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि राजा ने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया था और बिना पनिशमेंट के ही वहां से बगीचे से छोड़ दिया था जाने के लिए, इसलिए वन देवता बहुत ही प्रसन्न हो गया राजा मिदास पर। एंड डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम, और उन्हें पुरस्कार देना चाहा, किसने? वन देवता ने, फॉरेस्ट गॉड ने। किसे वरदान देने के रिवार्ड देना चाहा? किंग मिदास को। ही ऑफर्ड द किंग टू विश फॉर एनी थिंग ही डिजायर, तो उन्होंने फॉरेस्ट गॉड ने राजा को ऑफर दिया, प्रस्ताव रख दिया, क्या कि राजा को जो भी इच्छा है, किसी चीज की अगर डिजायर है, डिजायर मीन्स इच्छा, वह मांग सकता है। तब किंग मिदास, पहले ही आप लोग जान गए हैं किंग मिदास कैसा था, किंग मिदास ग्रीडी एज ही वाज, किंग मिदास ग्रीडी एज ही वाज, वह जितना चतुर था उससे भी ज्यादा चतुर थे किंग मिदास। क्विकली विश्ड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही शीघ्रता पूर्वक वरदान के लिए सोचे। एंड एवरीथिंग ही टच्ड, और जो भी चीज वे छुए बी टर्न्ड इनटू गोल्ड, जो भी चीज छुए वह सोना में परिवर्तित हो जाए। दिस वुड क्लियरली मेक हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उन्होंने सोचा कि जो भी चीज हम छुएंगे सोना बनते जाएगा, तो उन्हें विश्वास था कि हम संसार के सबसे धनी आदमी बन जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉरेस्ट गॉड केप्ट हिज प्रॉमिस एंड सेड, फॉरेस्ट गॉड ने कीप का पास्ट है केप्ट हिज प्रॉमिस, वन देवता ने अपना वादा याद रखा और कहा स्टार्टिंग टुमारो मॉर्निंग, और यह वरदान कब से शुरू होगा? कल प्रातः काल से, स्टार्टिंग टुमारो मॉर्निंग विथ द सन रेज, कल सुबह से, कल प्रातः काल से सूरज के किरणों के साथ,
और यह वरदान स्टार्ट हो जाएगा। यू विल गेट द गोल्डन टच, जो तुम्हारा जो वरदान मिला है यह कल से साबित हो जाएगा। When the morning dawned, the king could hardly contain his joy. जब प्रातः काल हुआ सुबह अगले दिन, तो राजा बड़ा मुश्किल से उसको कंटेन कर रहा था। He went round his palace. वह अपने महल के चारों तरफ गया। In a glee, glee means होता है प्रसन्न। तो अपने महल के चारों तरफ प्रसन्नता पूर्वक गया। Turned all he could into gold, और जितना वह चाहा उतना टच गोल्ड किया। सब कुछ छूते गया और सारी चीजें सोना में परिवर्तित होते गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन हिज गार्डन दैट टर्न टुवर्ड्स द सन फॉर लाइट, और बगीचे के जो फूल थे, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन हिज गार्डन, उसके बगीचे के सुंदर सुंदर फूल, दैट टर्न्ड, जो मुड़ गए थे, कैसे, टुवर्ड्स द सन फॉर लाइट, सूर्य के प्रकाश पाने के लिए, स्टूड रिजिड, और वे रिजिड माने जानते हैं, रिजिड का माने होता है हट करना, जिद करना, लेकिन फूल क्या जिद करेंगे, वे सख्त हो गए, कड़े हो गए और खड़े रहे सूरज के किरण के इंतजार में। एज किंग मिडास अप्रोच्ड, कि जब राजा मिडास यहां पहुंचे, एंड टच देम, और उनसे संपर्क करें, तो बगीचे का सुंदर सुंदर फूल भी सूर्य के प्रातः किरणों की इंतजार में सख्त खड़े हो गए। आफ्टर ए व्हाइल ही सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ए व्हाइल थोड़े क्षण बाद ही सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए, किस लिए, फॉर ब्रेकफास्ट, जलपान के लिए। बट एज सून एज ही टच द फ्रूट, परंतु जब ही उन्होंने चाहा खाना, क्या चीज, फ्रूट, फल, द केक, द ग्लास ऑफ वाटर, एवरीथिंग टर्न इन टू गोल्ड, हर चीज सोने में बदल गया। केक, फ्रूट और ग्लास ऑफ वाटर, सारा चीज सोने में बदल गया। द किंग हैड द मोस्ट लैविश फीस्ट लेड आउट बिफोर हिम, और लैविश का माने होता है बहुत कीमती, खर्चीला। द किंग हैड द मोस्ट लैविश फीस्ट लेड आउट बिफोर हिम, और राजा के सामने बहुत ही महंगा भोजन रखा गया खाने के लिए। बट ही कुड नॉट ईट ए बाइट ऑफ इट, परंतु वे उसका एक कण मात्र भी नहीं खा सके, क्योंकि राजा को तो वरदान मिला हुआ था छूने का, टच का ना, तो जैसे ही उन्होंने सारी चीजों को छुआ, सब सोना हो गया। ही वॉज गेटिंग एक्सटर्नली हंगरी, बट ही कुड नॉट ड्रिंक एंड ईट गोल्ड, अब ही वॉज गेटिंग एक्स्ट्रा, अब वे बिल्कुल भूखे हो गए थे, हम कोई चीज अब खा पी नहीं रहे थे, सब तो सोना में होते बदलते जा रहा था, तो अब भूख से अब छटपटा रहे हैं राजा। बट ही कुड नॉट ड्रिंक एंड ईट गोल्ड, परंतु वे सोना तो खा और पी नहीं ना सकते थे। जस्ट देन हिज ब्यूटीफुल डॉटर केम रनिंग टू ग्रीट हिम एंड ही हग्ड हर, हग्ड माने होता है गले लगाना, परंतु उसी क्षण उनकी प्यारी पुत्री दौड़ते हुए आती है और ग्रीट हिम, और उन्हें अभिनंदन करती है, उनका अभिवादन करती है, और हग्ड हर, और उसे गले लगा लेते हैं पुत्री को। तब क्या होता है, लो एंड ब्यूटी बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड, लो देखो, निहारो, क्या हुआ, यहां पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। हिज लवली डॉटर एज हिज टच, उनकी प्यारी पुत्री जैसे ही उसे छुए,
टर्न्ड हार्ड एंड फास्ट इनटू ए गोल्ड स्टैचू, छूते ही वह उनकी पुत्री जो थी वह सोने के कड़े मूर्ति के रूप में बदल गई। ऑल हर स्माइल्स हैड फ्रोजन इनटू गोल्ड, और सारी प्रसन्नता स्माइल उनकी क्या हो गई, सोने में बदल गई। फ्रोजन मान तो ऐसे जमना होता है, यानी सोने में जम गई उनकी सारी प्रसन्नता बदल गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग बोर्ड हिज हेड एंड स्टार्टेड क्राइंग। जब उनकी प्यारी पुत्री जब सोना में परिणत हो गई तब राजा ने सर झुका लिया और चिल्लाना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिए। ही वाज परहैप्स द रिचेस्ट मैन, शायद वह अब धनी आदमी थे, बट इन रियली ही वाज वर्स देन द पुअरेस्ट पर्सन। रिचेस्ट मैन तो थे लेकिन यहां पर लेखक बताता है कि शायद धनी होते हुए भी अब वे संसार के गरीबों से भी सबसे गरीब हो गए, खराब हो गए, क्योंकि गरीब आदमी तो खा पी सकता था लेकिन अभी इनको वरदान मिल जाने से अब खा पी नहीं सकते थे, इसलिए वर्ष का प्रयोग किया गया। वर्ष माने एकदम बदतर, खराब, गरीब से भी इनकी स्थिति खराब हो गई थी। देयर वेयर नो मोर स्माइल्स लेफ्ट इन हिज गोल्डन वर्ल्ड। अब इनके स्वर्णिम दुनिया में, सोने के संसार में कोई भी खुशी ज्यादा नहीं रही थी। स्माइल लेफ्ट इन हिज गोल्डन वर्ल्ड, कोई भी मुस्कुराहट, कोई भी खुशी सोने के संसार में इन्हें नहीं रहा। तब नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंग हिज टीयर्स, सिंग माने होता है देखकर उनके, टीयर्स मीन्स होता है आंसू, तो सिंग हिज टीयर्स उनके आंसू देखकर द फॉरेस्ट गॉड अपीयर्ड, वन देवता प्रकट हुए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, इफ ही वाज हैप्पी विथ हिज गोल्डन टच। अब वन देवता पूछते हैं कि बोलिए, गोल्डन टच का वरदान आप पाए थे, क्या आप गोल्डन टच से प्रसन्न हैं। द किंग शुक हिज हेड सैडली एंड से, तब राजा ने दुखी पूर्वक दुख में भर करके अपने सिर को हिलाया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, ही वॉज द मोस्ट माइजरेबल मैन, माइजरेबल माने होता है दुखी, तो क्या कहा राजा ने कि ही वॉज द मोस्ट माइजरेबल मैन, कि वह जो है वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। राजा अपने बारे में कहता है कि अब मैं तो अब संसार का सबसे दुखी आदमी हो गया हूं, धनी होते हुए भी। तब नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग क्राइड एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तब राजा चिल्लाने लगा और फॉरगिवनेस के लिए कहा, क्षमा के लिए कहा कि वन देवता क्षमा कर दीजिए, मुझसे भारी गलती हो गई। ही सेड, आई विल गिव अप ऑल माई गोल्ड, आई विल गिव अप, गिव अप माने होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। आई विल गिव अप ऑल माई गोल्ड, मेरे पास जितना भी सोना है सब का मैं त्याग कर दूंगा, सब छोड़ दूंगा। प्लीज गिव मी माई डॉटर बैक, मेरी पुत्री, कृपया मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। क्यों, बिकॉज विदाउट हर आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग वर्थ हैविंग, क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन बेकार है। विदाउट हर, उसके बिना आई हैव मोर लॉस्ट एवरीथिंग वर्थ हैविंग, क्योंकि उसके बिना मैं अपना सारा चीज, कीमती चीज सभी अब लॉस्ट कर दूंगा, गंवा दूंगा, वो मंजूर है, लेकिन मुझे पुत्री मुझे वापस दिला दीजिए भगवान। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉरेस्ट गॉड स्माइल्स एंड सेड, द फॉरेस्ट गॉड जो थे वन देवता मुस्कुराए और कहे, क्या, यू हैव बिकम वाइजर देन बिफोर, आप बुद्धिमान हो गए हैं अब पहले से, देन बिफोर, पहले से अब आप बुद्धिमान हो गए हैं। द किंग बेग्ड द गॉड टू टेक अवे हिज रिचेड गिफ्ट, राजा ने गिड़गिड़ाया, बेग किया, गिड़गिड़ा करके कहे,
वन देवता से कि टू टेक अवे हिज रिचेड गिफ्ट, ऐसा जो सड़ा हुआ वरदान मुझे नहीं चाहिए, कृपया आप अपना वरदान ये वापस ले लीजिए। द फॉरेस्ट गॉड टूक पाइटी ऑन द किंग, फॉरेस्ट गॉड ने उन पर दया किया राजा पर, एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा कि दैट हिज टच कुड बी रिमूव्ड, कि उनका सोना छूने का जो वरदान है यह समाप्त होगा कब, बाय वेडिंग इन द होली मैजिकल रिवर, जो जादुई नदी है उसमें नहाने के बाद यह वरदान समाप्त होगा। तो वह जादुई नदी मैजिकल रिवर कहाँ है, दैट फॉलोड थ्रू द नियर बाई हिल्स, जो नजदीक की पहाड़ियों में है, मैजिकल रिवर उसी में नहाओगे तो तुम्हारा वरदान जो है टच गोल्ड वाला समाप्त रिवर्स हो जाएगा। किंग मिडास क्विकली वेंट एंड टूक ए डीप इन द रिवर, किंग मिडास शीघ्रता पूर्वक जाते हैं, वहां गए कोई देर नहीं किए, एंड टूक ए डीप, डीप माने होता है गोता लगाना, नदी में कैसे नहाते हैं उसी तरह से। तो किंग मिडास क्विकली वेंट एंड टूक ए डीप, राजा मिडास शीघ्रता पूर्वक गए और एक गोता लगाए इन द रिवर, नदी में, एंड द स्पेल वाज रिवर्स्ड, स्पेल का माने होता है जादुई शक्ति, और रिवर्स माने वापस चला जाना, और जो जादुई शक्ति जो इन्हें मिला था वरदान वह समाप्त हो गया। तब ही रश्ड बैक टू हिज पैलेस, अब वहां से स्नान करने के बाद दौड़े दौड़े अपने महल में आते हैं, एंड हग्ड हिज डॉटर, और अपनी पुत्री को गले लगाते हैं। द किंग लर्नड ए लेसन, द किंग लर्नड ए लेसन, तब राजा को शिक्षा मिल गई, विच ही नेवर फॉरगॉट, जो अब कभी नहीं भूलेगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने इस जीवन में। थैंक यू। तो इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सब चीज धन ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे फिट।